बहुत समय पहले की बात है, सुंदर बन के एक बरगद के विशाल पेड़ पर लोनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही चतुर और समझदार चिड़िया थी। उसी के सामने वाली डाली पर तो कौए का घर था, चिंटू और पिंटू। एक दिन सवेरे, अरे लोनी चिड़िया बहन, मैं देखता हूँ आप हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में लगी रहती हैं, कभी आराम ही नहीं करती। चिंटू भाई, मैं अपने घर की मरम्मत करती हूँ और ढेर सारा भोजन घर में जमा करती हूँ, ताकि भविष्य में मेरे बच्चों को और मुझे कोई समस्या ना हो। हर दिन एक समान नहीं होता, इसलिए पहले से ही बचत करना जरूरी होता है। क्या बहन जी, आप भी, हमें आज की चिंता करनी चाहिए, कल की कल सोचेंगे। चिंटू भाई, मैं तो आपको भी यही सलाह देती हूँ कि आप भी अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए। बारिश आने वाली है और कुछ खाने पीने के लिए भी अपने घर में पहले से ही भोजन की व्यवस्था करके रखिए। क्या पता कल अगर तूफान आ गया तो हमें कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। अगर बचत रही तो हम परेशानी में भी आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। बहन जी, बचत वचत आप ही करते रहिए, हमें तो जब भूख लगती है तो हम जाकर अपने लिए तुरंत ही भोजन ले आते हैं। हमें आज की चिंता करनी चाहिए, कल की कल देखी जाएगी। यूं ही दिन गुजरते गए, बारिश का मौसम भी करीब था। हल्के हल्के बादलों ने अपनी आवाज निकालना शुरू कर दिया था। इधर लोनी चिड़िया हर रोज थोड़ा थोड़ा दाना लाकर अपने घोंसले में रखती जाती थी। उधर चिंटू और पिंटू कौए दोनों अपने घोंसले में बैठे आराम कर रहे थे। ये लोनी चिड़िया भी ना हर समय एक नया कारनामा करती रहती है, कभी आराम ही नहीं करती और हर समय बस बचत के बारे में ही बातें करती रहती है। अरे चिंटू, इन छोटे पक्षियों की यही समस्या रहती है, ये बहुत जल्दी किसी भी बात को गंभीरता से ले लेते हैं। और बारिश आई नहीं और इन्होंने अभी से ही बचत करना शुरू कर दिया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये सब फालतू में इतना परेशानी मोल ले रहे हैं। लोनी चिड़िया को इस समय अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, पर वो तो बचत करने के चक्कर में लगी है। तभी लोनी चिड़िया दोनों कौए की बातें सुन लेती है। चिंटू भाई, समय रहते हर चीज की बचत और व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं, समय रहते कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। मैं तो कहती हूँ चिंटू कौए भाई, आप दोनों भी अपने घर की मरम्मत करने में और भोजन की बचत करने में लग जाइए। हाँ, देखेंगे कुछ दिनों बाद हम भी कर लेंगे बचत, पर अभी तो सिर्फ आराम ही करना है। हाँ बहन जी, बचत बचत बाद में, अभी तो केवल आराम ही आराम करना है। पिंटू कौए ने भी चिंटू कौए की बात का पूरा समर्थन किया। दोनों आलसी कौए मिलकर अपने घोंसले में आराम ही करने लगे। ना ही उन्होंने खाने की कोई बचत की और ना ही अपने घर की मरम्मत की। इधर लोनी चिड़िया ने अपने घर में कई सारे भोजन की व्यवस्था कर ली थी। देखते ही देखते अचानक एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू और पिंटू कौए ने मौसम ऐसे बदलने की बिल्कुल भी आशा नहीं की थी। ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अब हम इस बारिश में कैसे अपने लिए खाने की व्यवस्था करें? इतनी बारिश में तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो चिंटू, हमें भी बचत करनी चाहिए थी। हमने लोनी चिड़िया की बात नहीं मानी, हमें भी बचत करनी चाहिए थी, पर हम लोग बिल्कुल आलसी बन गए थे। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब हम क्या करेंगे इस बरसात में? हम खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे? तभी लोनी चिड़िया अपने साथ बहुत सारा भोजन लिए चिंटू कौए के घोंसले में आती है। चिंटू कौआ और पिंटू कौआ ये देखकर हैरान हो जाते हैं। चिंटू भाई, ये लो भोजन, आप दोनों ये भोजन अच्छे से खा लो, आगे के लिए भी मैंने पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। समय मिलते ही बचत की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, मैंने कहा था ना आपसे, मौसम कभी भी बदल सकता है। हाँ लोनी बहन, आपने सच कहा था, हमें पहले से ही बचत कर लेनी चाहिए थी। हमारी हालत के कारण आज हमारे पास ना तो खाने के लिए दाना है और ना ही हमारा घर सही से मरम्मत है। पूरे घोंसले में पानी भरा पड़ा है और ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो आपकी कृपा है लोनी बहन, जो आज हमें खाना नसीब हो गया। आपकी सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। इसीलिए तो कौए भाई, मैंने आपसे कहा था कि समय रहते बचत कर लो,
अब हम आगे से पहले से ही अपने लिए खाना और दाने की व्यवस्था कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपकी बातें सुनकर मन भर आया। लोनी बहन, सच में आप बड़ी दयालु हो। इस बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर तुम हमारे लिए भोजन ले आई हो, सच में तुम बहुत महान हो। अरे चिंटू भाई, मैं आपकी पड़ोसी हूँ और पड़ोसियों का साथ देना, उनकी मदद करना दूसरे पक्षी पड़ोसियों का धर्म सिद्ध अधिकार होता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब आप लोगों ने मेहनत करने का मन बना लिया है और बचत करने का भी मुझसे वादा किया है। उस दिन से दोनों कौवे लोनी चिड़िया की बहुत इज्जत करने लगे, उसका मान करने लगे। कई दिन यूं ही बीत गए। एक दिन लोनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर बाहर गई हुई थी और घोंसले में उसके तीन नन्हे नन्हे बच्चे अकेले थे। तभी एक राक्षस बाज वहां पर प्रकट होता है। अरे वाह, एक घोंसले में एक साथ तीन तीन चिड़िया के बच्चे, आज तो जमकर भोजन करने को मिलेगा। आज तो मैं जमकर खाना खाऊंगा। अरे अरे, ये तो राक्षस बाज है, कहीं हमें खाना ले। माँ कहाँ चली गई, दिखाई भी नहीं दे रही। तभी पिंटू कौवे की नजर बाज पर पड़ी, जो लोनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को परेशान कर रहा था। अरे अरे चिंटू, वो देखो, वो राक्षस बाज लोनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को परेशान कर रहा है, कहीं वो उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। हमें तुरंत जाकर उन नन्हे नन्हे बच्चों को बचाना होगा। इस बाज को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज इसकी खैर नहीं। चलो इसे चलकर सबक सिखाते हैं। दोनों कौवे उड़ते हुए लोनी चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। बाज, इन बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, वरना हम तुम्हारी धजिया उड़ा देंगे। अच्छा, तो अब तुम दोनों कौवे मेरे शिकार को बचाओगे। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा तो आज हम तुमको चबा जाएंगे बाज। दोनों कौवे और बाज में काफी देर तक लड़ाई होती है। बाज पिंटू कौवे को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। चिंटू, हम हार नहीं मान सकते, आज हमें इस बाज को मजा चिखा नहीं होगा। तभी दोनों कौवे हिम्मत करके उठते हैं और उस बाज की धज्जियां उड़ा देते हैं। बाज घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी लोनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में आती है और दोनों कौवों को देखकर कहती है, अरे क्या हुआ चिंटू भाई, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप लोगों को ये चोट कैसे लगी? दोनों कौवे मिलकर लोनी चिड़िया को सारी बात विस्तार से बताते हैं। चिंटू भाई, मैं आप दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ, आप दोनों ने मेरे बच्चों की जान बचाई, मैं सदा आप दोनों की आभारी रहूंगी। ये कैसी बात कर रही हो लोनी बहन, आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना। हमने तो बस अपना पड़ोसी होने का धर्म निभाया है, आपके बच्चे हमारे भी तो बच्चे हैं ना। लोनी चिड़िया दोनों कौवे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगे। लोनी चिड़िया की सीख और सबक के अनुसार दोनों कौवे एक बेहतरीन पक्षी बन गए।